हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम देखने वाले स्प्लेंडर सीट की मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। और मेरे कितने दिन से मेरे को कमेंट आ रही थी भाई फॉर्म का कटिंग कैसे करते हो, ये मेरे को दिखाओ। तो फाइनली गाइस, मैंने फॉर्म का कटिंग का वीडियो आज शूट किया है और मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। गाइस, आप ये वीडियो पूरा देखा, क्योंकि फॉर्म कटिंग कैसे करता हूँ, जो मैं फिनिशिंग कैसे देता हूँ ना, वो आपको कंपलसरी जरूरी देखना है। तो आप देख सकते हो भाई, फॉर्म कटिंग का मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। अभी कस्टमर था शॉप पर, तो अभी बात करनी है सर सब कुछ का, तभी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, आज ही जो भी मेरी चैनल में नए आए हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं नया नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ और कुछ ना कुछ तो नया लेकर आता रहता हूँ। और जो इसमें मैं जो मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, वो हेवी मटेरियल है, लेदर में मटेरियल अच्छा वाला है, कंफर्टेबल में रहता है और सॉफ्ट लेदर में यूज़ कर रहा हूँ। और गाइस, जिस को भी सीट परचेस करने की है, तो मेरे को मैसेज करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, कॉल करो, आपको कुरियर में सीट मिल जाएगी। मैं ऑनलाइन का तो नहीं करता हूँ, तो कुरियर कर देता हूँ सीट का। कोई लोग बोलते हैं भाई कैश ऑन डिलीवरी करते हो, तो भाई ओनली पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में यहाँ से कुरियर होगा आपका। मैं ऑनलाइन का वगैरह सब कुछ काम नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आप ये बात ध्यान में जरूर रखना। और ये आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ गाइस, डबल पट्टी वाली सीट मॉडिफिकेशन करी है स्प्लेंडर में मैंने। ब्लैक चेक्स वाला जो मटेरियल भी है ना, वो भी बहुत अच्छा है लेदर का। अभी पहले तो जो हथियार वगैरह सब कुछ है, वो मैं पहले कंप्लीट करता हूँ। बैठने की भी जगह नहीं है, इतनी सारी सीट मेरे पास अवेलेबल में हो गई है स्प्लेंडर की। अभी तो फिलहाल मैं स्टॉक ही कर रहा हूँ सीट का। देखो, मैंने आगे से पहला कटिंग किया, अभी क्या है लाइट बहुत धूप थी ना, तो लाइट आ रही है, इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपको। मैं अकेला हूँ, मैं अकेले ही शूट करता हूँ, अकेला काम करता हूँ, और वीडियो भी एडिटिंग सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। मैं किसी को वीडियो एडिटिंग करने देता वगैरह सब कुछ नहीं हूँ गाइस, इसीलिए थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम रहता है, तो आप समझ जाना आपके हिसाब से। पूरा का पूरा फिनिशिंग के साथ काम कर रहा हूँ मैं, आधा आधा भाग कटिंग कर रहा हूँ। कोई कोई लोग कटिंग करते हैं ना, इसकी पहले वाली जो मिस्टेक रहती है ना, यही मिस्टेक रहती है, फुल लॉन्ग ही कटिंग कर देते हैं। ऐसा नहीं करने का, दोनों साइड से कटिंग करने का है। ये आरएस प्लॉयमरी का फॉर्म लिया है मैंने, वो फॉर्म इसका रेडीमेड आता ही है कटिंग कर का हुआ, पर ये या हमारे हिसाब से जो हम कटिंग करें ना, वो ही अच्छा रहता है। ये पीछे का भाग भी मैंने कटिंग कर दिया है, वो भी बहुत अच्छा। ये फॉर्म कटिंग का वीडियो मैं कितने दिन से सोच ही रहा था, तभी मैं शूट करूँ, क्यों कस्टमर शॉप पर आ जाते हैं, इसको भी समझना रहता है मेरे को, वीडियो शूटिंग करने का रहता है और एडिटिंग वगैरह सब कुछ टाइम निकाल के करना पड़ता है। ये वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग के लिए भी स्पेशल मैं टाइम निकालता हूँ, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए स्पेशल में। और ये फॉर्म कटिंग भी बहुत ज़्यादा बहुत मस्त हुआ है, परफेक्ट फिनिशिंग वाला है। देखो, अभी घिसाई का काम चालू है, फाइनल फिनिशिंग जो देता हूँ ना, ये ही है मेरा, इस ये ही देख रहा हो ना, ये मेन है आपको, ठीक है। और ये वीडियो पूरा देखो गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।
है।